आज मैं आप लोगों को क्लास थ्री का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर टू है स्वास्थ्य ही धन है। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराया है। पाठ में स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिलाते हुए यह समझाने का प्रयास किया है कि हमारे लिए स्वास्थ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी दिनचर्या को सही रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो जीवन में लाख परेशानियां आती है, बहुत तरह की समस्याएं आती जाती रहती है, सभी का हम समाधान कर लेते हैं। लेकिन तब अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो वह सब हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है, उस समस्या का झेलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए इस पाठ में क्या क्या बताया गया है इसको हम देखते हैं। तो यह सच कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम सही से पढ़ भी पाते हैं। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें हमारे लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, सही विचार हमारे मन में आता ही नहीं है अगर हम बीमार होते हैं तो। स्वस्थ व्यक्ति यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। यानी अगर एक स्वस्थ व्यक्ति सोच ले कि कोई काम करना है तो वह उस चीज़ को पूरा कर देता है। लेकिन एक बीमार व्यक्ति अगर चाहे कि हम हर क्षेत्र में सभी कामों को पूरा कर लें तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है या बहुत कठिन हो जाता है। हम इस पाठ में स्वास्थ्य के कुछ नियमों और तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम स्वस्थ रह कैसे सकते हैं। तो यह सवाल हमारे लिए जटिल नहीं है। हम स्वस्थ हैं तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हम अपनी दिनचर्या को सही करें। अपने सही स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले दिनचर्या को सही करना होगा, तभी तो आज कक्षा में बैठ कर पढ़ रहे हैं। फिर भी कुछ तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहला तरीका है समय से सोकर उठना और रात को अपना भी कार्य समाप्त करने के बाद जल्दी सो जाना। यानी आपके पाठ में कहा गया है कि रात को देर रात तक नहीं जगना है, समय से अपने होमवर्क को पूरा कीजिए और सो जाइए। और सुबह समय से उठना है, यानी मॉर्निंग में सवेरे उठना है ताकि हम स्वस्थ रहें। बड़े बुजुर्ग ने हमें बताते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। यह बात 16 आने सच है कि सुबह जल्दी उठने से पहले स्फूर्ति मिलती है और पूरा दिन उत्साह भरा रहता है। अधिकतर लोग प्रतिदिन भले ही जल्दी उठते हैं परंतु छुट्टी के दिन में देर तक सोने की आदत नहीं छोड़ते हैं। देर तक सोने से पूरे दिन आलस से सहलाता है, यही हाल देर तक जागने से भी होता है। इससे कई बार हमें नींद पूरी नहीं होती और हम थकान का अनुभव करते हैं। यानी कि अगर हम देर रात तक जगे रहते हैं, सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती है तो हम थकान का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम सुबह सवेरे जगते हैं तो हमें फुर्ती मिलती है और पूरे दिन हम अच्छा अनुभव करते हैं। तो इसलिए हमें सवेरे उठना चाहिए। हम लोगों को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। यानी स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 7-8 घंटा अवश्य सोना चाहिए। छोटे बच्चों को तो कम से कम 8 से 9 घंटे सोना जरूरी है। अगर ऐसा न किया जाए तो बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। दूसरी बात है कि खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि स्वस्थ रखने के लिए हमारी दिनचर्या तो सही होना ही चाहिए, लेकिन हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे भोजन में साग सब्जी हरा सब्जी खाना चाहिए। तुम बच्चों लोगों में यह आदत होती है कि हरा सब्जी नहीं लेते हो, सब्जी एकदम भी खाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन यह गलत आदत है। स्वस्थ रहने के लिए हरी साग सब्जी दाल चपाती चावल दूध दही सलाद आदि का सेवन करना चाहिए। ये पौष्टिक तत्व हमें भरपूर मात्रा में लेने चाहिए। आप अपने स्वादानुसार बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, मिठाई है घी है दही है जो भी खाएं, लेकिन हरी साग सब्जी फल इत्यादि का सेवन जरूर करें। और उचित व्यायाम और खेलकूद पर भी ध्यान देना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए हमें व्यायाम करना अति आवश्यक है। अगर हम सही रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खेलकूद भी जरूरी है और व्यायाम भी जरूरी है। एक बात यह भी है कि खेलकूद हमारे मनोरंजन का एक साधन मात्र ही नहीं है बल्कि यह एक व्यायाम का उचित साधन भी है। इसीलिए हमें खेलकूद में ध्यान देना चाहिए। खेलकूद के माध्यम से बच्चे आपस में खेलने जाते हैं, आप लोग भी अपने मित्रों के साथ खेलने जाते होइएगा। इससे क्या होता है कि बच्चों में आपस में बातों का आदान प्रदान होता है, अपने मन के बातों को एक दूसरे को कहते हैं। इससे क्या होती है कि आपका
वातावरण में माहौल बनाने को रहना अच्छा लगता है। फिर उत्साहित होकर अपने काम में भी जुट जाते हैं, यानी खेलने के बाद आप जब आपस में बातचीत करते हैं फिर उसके बाद अपने घर जाते हैं तो आपका मूड फ्रेश रहता है और आप अपने काम में फिर से जुट जाते हैं। चौथा पद है कि सेहतमंद रहने के लिए स्वच्छ रहना भी जरूरी है, यानी सबसे पहले हम देखें कि सही दिनचर्या यानी समय से सोना समय से उठना, दूसरी ओर देखें कि हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, तीसरी बार देखें कि खेलना और व्यायाम जरूरी है, अब चौथी बार देखें कि क्या करना जरूरी है तो स्वच्छ रहना भी जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो हम तरह तरह के बीमारियों के कीटाणु हमारे शरीर में ही अपना घर बनाएंगे। इसलिए भोजन, रोजाना नहाना, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोना, दांत साफ करना, यानी प्रत्येक दिन सुबह में मॉर्निंग में तो आप ब्रश करते ही हैं लेकिन आप लोगों को रात में खाना खाने के बाद भी ब्रश करना चाहिए ताकि आप लोगों का दांत नहीं सड़े। साफ रहे करना जो हाथ साफ न करने से कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुँच जाते हैं। कीटाणु यानी छोटा छोटा कण होता है, सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो कि हमारे शरीर में फैल जाते हैं, इसीलिए हमेशा हाथ साफ करते रहना चाहिए। उसके बाद कपड़े को साफ सुथरे करके पहनना चाहिए और कपड़े मौसम के अनुकूल पहनना चाहिए। अगर अधिक गर्मी है तो कॉटन कपड़ा पहने, ठंड का समय हो तो उलेट कपड़ा पहने, इसलिए मौसम के अनुकूल कपड़ा भी पहनना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को अपने नाखून काटने चाहिए, नहीं तो नाखून द्वारा तरह तरह की बीमारियां फैलने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं यानी घुस जाते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। अतः स्वास्थ्य ही धन है और हमें स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने आप को सही से देख सकेंगे। हम स्वस्थ होंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।